राधे राधे, जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ये मेन डोर है, हमारे घर का मेन दरवाज़ा है ये। और ये है पूजा की थाली, जो कि पंच दिवसीय जो पर्व हम मनाएंगे और इस पर जो यम के निमित्त हम दीप प्रज्वलित करते हैं उसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरी विधि के सहित हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको और किस जगह पर इस दीप को आपको प्रज्वलित करना है, किस तरह से आपको पूजन करना है और कौन सा दीप लेना है आपको, किस तरह का दिया लेना है, कौन सा तेल लेना है, भोग लगाना है नहीं लगाना है, आसन देना है नहीं देना है। तो आप देखिए, ये है सोसाइटी, तो बहुत सारे फ्लैट होते हैं सोसाइटी में, हम भी सोसाइटी में रहते हैं, किंतु जो हमारा जो दरवाज़ा है उसके बाहर ही हम ये दिया जलाएंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के मंगल कुशल की कामना करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा, किंतु लिखिएगा अवश्य, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन बढ़ता है, एक नया उत्साह आता है कि हमें और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की जो वीडियो है वो है धनतेरस, धन त्रयोदशी का जो त्यौहार होता है उस दिन से लेकर दीपावली और दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा के बाद जो यम द्वितीया यानी कि भाई दूज का पर्व आता है। तो ये जो शुभ अवसर होता है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में, जब अमावस्या की तिथि आती है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में जब त्रयोदशी तिथि आती है तो पंच दिवसीय पर्व का आगमन हो जाता है और बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा त्यौहार होता है। 5 दिनों का ये त्यौहार होता है। तो पंच दिवसीय त्यौहार पर पंच दिवसीय जो दिया प्रज्वलित किया जाता है, पंच दिवसीय दीपदान किया जाता है, वो हम किस प्रकार से करते हैं और उस का क्या महत्व है और हमें आखिर करना क्यों चाहिए, तो इस विषय में हम बात करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो हम यमराज के निमित्त, अपने यम के निमित्त एक दिया जो 5 दिनों तक प्रज्वलित करते हैं अपने घर के दहलीज पर और घर के बाहर वो दिया प्रज्वलित किया जाता है, उसके विषय में हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और सच बता रहे हैं आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को बिना स्किप करे आप पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमने इसमें आपको करके दिखाया है कि किस तरह से आपको दीपदान करना है यम के निमित्त। तो हमने पूरी विधि आपको दिखाई है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप सभी को सबसे पहले पंच दिवसीय महापर्व की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, माता लक्ष्मी की कृपा, ईश्वर की कृपा अपने सभी भक्तों पर सदा ही बनी रहे, आप सभी सदैव प्रसन्न रहें, सभी लोगों की आयु में वृद्धि हो, सभी लोगों की धन संपत्ति सुख संपदा वंश वृद्धि हो, ऐसी माता रानी से कामना करते हैं। और माता सभी को खुशियाँ दे, सभी के घरों में दीपावली बहुत सुंदर तरीके से मनाई जाए, चारों तरफ खुशियों के दीप जगमगाएं। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो का प्रारंभ करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आपको तभी आएगा, बार बार हम कह रहे हैं और हमने पूरी विधि इसमें करके दिखाई है। यम के निमित्त दीपदान की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। इस बार धनतेरस का पर्व 10 नवंबर 2023 को रहेगा। तो 10 नवंबर 2023 को धनतेरस का जहां महापर्व होगा और वही जो प्रदोष व्रत है वो भी इसी दिन रखा जाएगा, प्रदोष का व्रत भी 10 तारीख को ही रखा जाएगा। 10 नवंबर से ही दीपदान किया जाता है यम के निमित्त। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, जो लोग करते हैं उन्हें तो पता ही है और जो लोग नहीं करते हैं उन्हें भी इस जानकारी का होना अति आवश्यक है। यमराज कौन है सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी नहीं चाहता कि किसी के भी घर में यम की दृष्टि पड़े,
ये कोई नहीं चाहता और ना ही कोई चाहता है कि यमराज उनके घर में आए। यमराज आते किस लिए हैं ये भी हर व्यक्ति जानता है। यम की किसी भी प्रकार की यातना किसी को भी ना झेलनी पड़े, किसी भी घर में अकाल मृत्यु ना हो, सभी के घर में सुख शांति स्वास्थ्य बना रहे, इसलिए 5 दिनों के लिए यम के निमित्त ये दीपदान किया जाता है। ये 5 दिवसीय पर्व कहलाता है। आप सभी को इस 5 दिवसीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हम आपसे अब बात करेंगे कि ये जो पर्व है 5 दिवसीय पर्व, ये किस डेट से लेकर किस डेट तक रहेगा, क्योंकि इस बार जो है एक तिथि की बढ़ोतरी हो रही है। एक तिथि बढ़ोतरी होने से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा संदेह की स्थिति है। तो सबसे पहले हम उस संदेह की स्थिति को दूर करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि 10 नवंबर पहला दिन होगा जिस दिन हमको दीपदान प्रारंभ करना है। 10 नवंबर 2023 को धन त्रयोदशी का पावन पर्व है। तो धनतेरस पर क्या क्या सामान खरीदना है हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं और कुछ और जानकारियां हम बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सारी वीडियोस को देखते रहिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तभी तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, है ना। तो 10 नवंबर से आपको दीपदान का प्रारंभ करना है। उसके लिए आपको आटे का दिया ले लीजिए या फिर आप मिट्टी का दिया ले लीजिए, किसी भी प्रकार का दिया ले लीजिए, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, देखिए ये ध्यान रखना है कि ये जो इसमें आपको ना चौमुखी दिया जलाना होता है। चौमुखी दिया क्यों हम जलाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ऐसी भावना से हम यम के निमित्त चौमुखी दिया जलाते हैं। तो आप 2 बत्ती बड़ी बड़ी बना लीजिए या फिर रेडीमेड मिलती हैं तो आप ला सकते हैं और उनको क्रॉस करके दिए में रखना है, ठीक है। दिया आप मिट्टी का पुराना दिया बड़ा हो, देखिए दिया आप छोटा मत लीजिएगा, थोड़ा बड़ा ही लेना है। और सबसे अच्छा तो आटे का दिया होता है, यदि आप आटे का दिया ले लें तो बहुत उत्तम रहता है। और आटे का दिया नहीं बना सकते हैं, समय नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। यदि आपके पास पुराना दिया रखा हुआ है पिछले साल का, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप बाहर से भी खरीद कर ला सकते हैं। उसमें आपको क्रॉस बत्ती लगानी है, उसके बाद उसमें सरसों का तेल ही डालना है। ये ध्यान रखिएगा इस दिए में ना ही आपको देशी घी डालना है और ना ही आपको तिल के तेल का इस्तेमाल करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल का इस्तेमाल ही करना है। उसके बाद जो आपका मेन डोर होगा, आप फ्लैट में रहते हो, अपने घर में रहते हो या आप जैसे भी जगह पर रहते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस फ्लैट में रहते हो, जो आपके घर का दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा है आपके घर का, सोसाइटी का नहीं, जो जिस घर में आप रहते हो आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, आप बाहर जाइए सारा सामान लेकर। सबसे पहले आप उस ज़मीन को साफ़ कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से, आपको वहाँ पर कपड़े से साफ़ करना है, फिर पानी के छींटे या फिर पानी से आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। सफाई देखिए, कोई भी पूजा पाठ होती है सफाई बहुत आवश्यक होती है। उसके बाद में वो जगह साफ करने के बाद में आप एक प्लेट रख लीजिए, प्लेट रखेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लेट रखने के बाद आप उसमें गेहूं या फिर चावल अक्षत कोई भी चीज नीचे बिछा लीजिए। किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि आसन देना बहुत आवश्यक होता है। जब हम दीप दान करते हैं, कोई भी भगवान का पूजन करते हैं, तो हमें आसन अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार से आप आसन दे दीजिए दीप भगवान को और उस आसन के ऊपर आपको दीप रखना है, मिट्टी का आटे का जैसा आपका मन करे आप दीप रख लीजिए। दीप रखने के बाद क्रॉस बत्ती लगा लीजिए, उसमें तेल डाल दीजिए। उसके बाद में अभी प्रज्वलित नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पूजन करना है दीप का। तो आपको क्या करना है, आपको यमराज भगवान का ध्यान करना है। यमराज कौन है सबसे पहले ये जान लेते हैं। भगवान सूर्य नारायण जो हैं उनके पुत्र हैं यमराज। यमराज मृत्यु के देवता हैं, सभी को दीर्घायु देते हैं, सभी के प्राणों को लेने वाले भी वही हैं, इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि उनकी कोई भी दृष्टि, उनकी कोई भी यातना किसी को झेलनी पड़े या उनकी दृष्टि किसी के भी घर पे पड़े, इसीलिए ये 5 दिवसीय पर्व मनाया जाता है। तो यमराज जी का ध्यान करते हुए हम जो दीप है उन पर जल छिड़केंगे और उनको याद करते रहेंगे, उनकी जयकार बोलते रहिए, कोई मंत्र है तो बोलते रहिए, उनका ध्यान करते रहिए। उसके बाद में हल्दी कुमकुम चंदन से आप दीप का तिलक कीजिए,
फिर आप अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, और आपके पास कुछ मीठा है तो मिठाई रख सकते हैं। यदि मीठा नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप बताशा, मिश्री या फिर कोई भी मेवा भी आप रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको पूजन करना है। इसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है, चारों बातियां जो हैं उनको प्रज्वलित कर दीजिए। चारों बातियां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने दीप प्रज्वलित कर लिया, धूप जलाइए, धूप अवश्य दिखाइएगा, धूप दिखाइए, और उसके बाद में आप कुछ देर के लिए, एक मिनट के लिए हाथ जोड़कर वहीं पर बैठ जाइए। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये जो दिया है ना, ये दिया आपको क्या करना है, इसका जो दिए का मुख होता है, जैसे चार बत्तियां तो चारों दिशाओं में जली रही हैं, लेकिन जो आपका मुख होता है वो भी, और दिए को आप अपने सामने रखिए कॉर्नर पर, और मेरी वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा, पर आपका मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दिशा जो है वो यमराज जी की ही मानी जाती है। उसके बाद आप हाथ जोड़कर यमराज जी से प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए कि हे देवता, हमारे परिवार को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से बचाना, सभी लोग दीर्घायु हों, और आप कभी भी अपनी कुदृष्टि हमारे परिवार पर मत डालना। इस प्रकार से आप अपने परिवार की कुशल मंगल के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। और ये दीप जो है आपको 5 दिनों तक प्रज्वलित करना होता है। बहुत सारे लोग करते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी करते होंगे, ठीक है। तो और धनतेरस की पूजा तो अलग है, और ये 5 दिवसीय यम के निमित्त दिया जो जलाया जाता है, ये वो पूजा हम आपको बता रहे हैं। बाकी जो धनतेरस की पूजा है वो हम विधि भी आपको दिखा भी देंगे, और हम इसकी वीडियो एक अपलोड कर भी चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है 5 दिनों तक, और आप अवश्य कीजिएगा। पहला दिन होगा 10 नवम्बर का, दूसरा दिन होगा 11 नवम्बर का, और तीसरा दिन होगा 12 नवंबर का। तो 10, 11, 12 तीन दिन आपको कंटिन्यू दीप प्रज्वलित करना है। अब बात करते हैं 13 नवंबर की। 13 नवंबर को क्या है, एक तिथि जो है उसकी वृद्धि है, अमावस्या। तो दीपावली का जो त्यौहार होता है वो रात्रि के समय मनाया जाता है, जब रात्रि के समय हमें अमावस्या की तिथि मिलती है। वो तिथि हमको मिल रही है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को रात्रि में हमें अमावस्या तिथि मिल रही है, इसलिए दीपावली का शुभ पर्व जो है वो 12 नवंबर को मनाया जाएगा। 13 नवंबर को सूर्योदय के समय हमें अमावस्या की तिथि मिल रही है, इसको कहेंगे सोमवती अमावस्या। तो इस दिन पूरे दिन सोमवती अमावस्या रहेगी, तो इस दिन आप चाहें तो दीप प्रज्वलित ना करें, क्योंकि 5 दिवसीय है, नहीं तो आपका एक फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि दीपावली तो है नहीं उस दिन क्या है, उस दिन सोमवती अमावस्या है। अब 14 नवंबर पे आते हैं। 14 नवंबर को अन्नकूट का पर्व मनाया जाएगा, और बहुत सुंदर पर्व होता है, आप सभी जानते हैं। अब बात करते हैं 15 नवंबर की। 5वां दिन होगा 15 नवंबर का। तो 15 नवंबर 2023 को यम द्वितीया यानी भाई दूज का पावन त्यौहार मनाया जाएगा, और भाई दूज वाले दिन तक, मतलब उसकी शाम की जो गोधूली बेला होगी तब तक आपको ये 5 दिवसीय दीप प्रज्वलित करना है यम के निमित्त। तो ये जानकारी आज हमें आपके साथ शेयर करनी थी, और बहुत ही अच्छा ये उपाय है, ये पूजा है। जिन घरों में रोग बीमारियां ज़्यादा रहती हो, क्लेश ज़्यादा रहता हो, जहां पर बहुत अधिक थोड़े थोड़े समय में ही कष्टों का सामना करना पड़ता हो, बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं कि एक के बाद एक दुख उन पर आ पड़ता है, दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो भगवान ना करे किसी के साथ बुरा हो, सबके साथ अच्छा हो, सबका त्यौहार बहुत अच्छा हो, ऐसी कामना करते हैं। और इसीलिए इन्हीं आपदाओं से बचने के लिए, इन्हीं संकटों से बचने के लिए 5 दिवसीय दीप प्रज्वलित किया जाता है, और प्रार्थना करते हैं और आशा भी करते हैं कि आप लोग हमारी इस भावना को समझेंगे और ये 5 दिवसीय दीप का महत्व समझेंगे, और आप इस उपाय को अवश्य ही करेंगे। ये पूजा है, ये कोई टोना टोटका नहीं है। इस तरह की भावनाएं भी बहुत सारे लोगों के मन में आती हैं, किंतु आपसे क्लियर कर दें कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सुंदर ये 5 दिवसीय जो पर्व आता है, इस पर करने वाली बहुत सुंदर पूजा है, अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य वृद्धि के लिए, आयु की वृद्धि के लिए, सभी की रक्षा के लिए। तो आप लोग कीजिएगा,
और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और हमें बहुत खुशी होगी अगर आपको हमारी इस वीडियो से किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता मिलती है। और यदि आप मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारी इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार से आपको कोई लाभ मिलता है तो हमें लगेगा जैसे हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारी के साथ बहुत जल्द आपसे दूसरी वीडियो में मिलेंगे। जय माता की, राधे राधे। आप सभी को धनतेरस के से लेकर यम द्वितीया यानी भाई दूज तक पंच दिवसीय महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की रक्षा करे, सभी पर उनका आशीर्वाद बना रहे, सभी पर उनका आशीर्वाद बना रहे। जय माता की, राधे राधे।